विवादास्पद इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के जल्द ही विदेशी चंदा लेने पर रोक लगेगी और गृह मंत्रालय एनजीओ को अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी कर उसके एफसीआरए रजिस्ट्रेशन को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। गृह मंत्रालय ने कहा, नाइक के एक और एनजीओ आईआरएफ एजुकेशनल ट्रस्ट को भी पूर्व अनुमति श्रेणी में रखने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे ये सरकार की अनुमति के बिना कोई विदेशी चंदा नहीं हासिल कर पाएगा। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि इस कदम से पहले विभिन्न जांचों में सामने आया कि नाइक संगठनों के लिए आने वाले धन का इस्तेमाल कथित रूप से युवाओं में कट्टरपंथी भावना भरने में और उन्हें आतंकी गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करने में शामिल है। महाराष्ट्र पुलिस से मिली जानकारी पर आधारित एक मसौदा नोट के अनुसार आईआरएफ के प्रमुख नाइक ने कथित रूप से कई भड़काऊ भाषण दिए हैं और आतंकी दुष्प्रभाव में संलिप्त है। नाइक ने आईआरएफ के विदेशी चंदे को आपत्तिजनक कार्यक्रम बनाने के लिए पीस टीवी को भी ट्रांसफर किया। इनमें अधिकतर कार्यक्रमों में नाइक के कथित नफरत भरे भाषण थे जो भारत में बने थे। नाइक पीस टीवी के माध्यम से कथित तौर पर सभी मुस्लिमों को आतंकवादी बनाने की बात करता था। दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत भरे भाषण देने के लिए इस्लामी उपदेशक नाइक पर ब्रिटेन और कनाडा में प्रतिबंध लगा है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।